गोडसे वाले बयान पर साध्वी प्रज्ञा के बचाव में अब मोदी के मंत्री भी उतर आए हैं। बीजेपी के बयान के उलट केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा, गोडसे पर माफी की नहीं बल्कि नजरिए में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि 70 साल बाद ही सही, लेकिन गोडसे पर बहस हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने कल ये बयान दिया था कि गोडसे देशभक्त हैं और इसी को लेकर जबरदस्त उनके ऊपर हमले हुए विपक्ष की तरफ से, जिसके बाद बीजेपी को भी यह कहना पड़ा कि अपने बयान के लिए माफी मांगे। साध्वी प्रज्ञा माफी मांग ली, लेकिन देखिए केंद्र मंत्री यहां पर अब साध्वी की तरफ से इस बयान को सही ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुशी है 70 साल बाद इस पर कम से कम बहस हो रही है। गोडसे पर माफी की नहीं बल्कि नजरिए में बदलाव की जरूरत है। अनंत कुमार हेगड़े केंद्रीय मंत्री जिन्होंने ये बयान दिया, तो साध्वी प्रज्ञा के बाद गोडसे को लेकर बयान देने वालों की सूची में केंद्रीय मंत्री का नाम भी जुड़ गया, जबकि बीजेपी इससे पहले ही साध्वी के बयान से किनारा कर चुकी है और माफी की मांग कर चुकी है। वहीं गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताकर फंसी साध्वी प्रज्ञा ने 24 घंटे में ही बयान बदल लिया। बीजेपी के फरमान पर साध्वी ने माफी तो मांग ली, लेकिन उनकी माफी में भाव कम, अगर मगर और अकड़ ज्यादा दिखाई दी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। ये मेरा निजी बयान क्या है, मैं रोड शो में थी और जिस प्रकार से भगवा आतंक को जोड़ करके इन्होंने जो प्रश्न किया है और मैंने तत्काल चलते चलते जो उत्तर दिया है वो उत्तर तत्काल में निकला हुआ है। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। अगर कोई जिन लोगों के मन को आहत हुआ है मैं क्षमा मांगती हूँ। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।